कोरोना वायरस के कहर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज यूएई में 19 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग के दो दिग्गज खिलाड़ियों हरभजन सिंह और सुरेश रैना ने 13वें सीजन में खेलने से इनकार कर दिया है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग को अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर पूरा भरोसा है। टीम ने उम्मीद जताई है कि धोनी सब संभाल लेंगे। दरअसल सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने पिछले हफ्ते ही 13वें सीजन से खुद को अलग कर लिया था। चेन्नई सुपर किंग ने पहली बार इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। चेन्नई सुपर किंग की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, ऑल इज वेल, धोनी सब संभाल लेंगे। सुरेश रैना और उनका परिवार चेन्नई सुपर किंग के साथ दुबई पहुंच गया था, लेकिन टीम में कोरोना के 13 मामले आने के बाद रैना ने सीजन में नहीं खेलने का फैसला किया और इंडिया वापस आ गए। रैना का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। हालांकि रैना और टीम मैनेजमेंट के बीच विवाद की खबर भी सामने आई, लेकिन बाद में सीएसके के मालिक श्रीनिवासन ने कहा कि दोनों को गलतफहमी हो गई थी और वो पूरी तरह से रैना के साथ खड़े हैं। वहीं हरभजन सिंह टीम के साथ दुबई पहुंचे ही नहीं थे। हरभजन सिंह के थोड़े वक्त के बाद टीम से जुड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, पर स्टार खिलाड़ी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सीजन से खुद को अलग कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग ने अब तक इन दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। रैना तो टीम के साथ दोबारा जुड़ने के संकेत भी दे चुके हैं, लेकिन सीएसके को इनके बिना भी अपने कप्तान पर नया पार लगाने का पूरा भरोसा है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।